मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इडली की रेसिपी। हम बताएंगे किस टाइप से आप घर पे आसानी से इडली बना सकते हैं। फूली हुई सॉफ्ट हेल्थी और टेस्टी इडली की रेसिपी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। हम दिखाएंगे इस वीडियो में आप किस टाइप से इस तरह की फूली हुई इडली बना सकते हैं। ये इडली बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएगी और बड़ी आसानी से आप इसको झटपट तरीके से इडली बना सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इडली की रेसिपी। इडली के लिए मैंने सूजी ली है। सूजी से इडली हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने 250 ग्राम सूजी ली है। जितनी सूजी ली है उसका जस्ट दुगना मैंने छाछ लिया है। छाछ आप दही को लिक्विड करके भी घर पे बना सकते हैं। ये मैंने मार्केट की छाछ ली है। थोड़ा सा मीठा सोडा लिया है, खाने वाला जो सोडा होता है चुटकी भर, और एक चम्मच नमक लिया है। ये सब नमक और सोडा आप क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरीके से इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया मैंने। सूजी, नमक, थोड़ा सा मीठा सोडा और छाछ को मिला करके पेस्ट तैयार किया है। अब हम इसको 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें से खमीर उठ सके, ये बन सके। 7 से 8 घंटे बाद में मैं थोड़ा सा एक चम्मच ऑयल ले रहा हूँ। उस ऑयल में हम सरसों डाल देंगे, तो राई भी हम इसे बोलते हैं, वो डाल देंगे। और इस घोल में हम इसका एक तड़का लगा लेंगे। तड़का लगाने से ज़्यादा अच्छा इडली बन पाएगा क्योंकि इडली में शाइनिंग आ जाएगी। थोड़ा सा ऑयल आप डाल देंगे तो, इसलिए ये हम गरम ऑयल इसमें डाला है मैंने उस तड़के में। अब जब हम इडली बना रहे हैं तो मैं एक पाउच इनो डाल दूंगा। इनो से ये ज़्यादा फूली हुई बनेगी, इसमें अच्छा खमीर उठेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इनो का इस्तेमाल किया है। इनो आप जब भी डालें, जब आप इडली बना रहे हो, पहले डाल करके इडली में इनो ना रखें, ये ध्यान रखें आप। विशेष रूप से आप इनो डाल करके मिक्स कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद में हम इडली के सांचे ले रहे हैं। इडली के सांचे में मैं 1/2 लीटर पानी डाल दूंगा और सांचे में पानी को गर्म होने देंगे ताकि इसमें भाप बन सके। हम इडली भाप में बनाएंगे, इसके लिए मैंने 1/2 लीटर पानी गर्म किया है। और जो इडली के सांचे हैं उसमें मैं थोड़ा सा तेल लगा दूंगा ताकि इडली चिपके नहीं नीचे से। जब आप इडली के सांचों पे ऑयल ग्रीस करें तो आप ये देखें कि आप आसपास भी ऑयल लगाएं, उस सांचे पे पूरे पे ऑयल लगाएं ताकि बाहर भी यदि इडली निकले तो वो आपकी आसानी से उतर सके। इस तरीके से आप ऑयल ग्रीस कर देंगे उसके ऊपर। उसके बाद में आप नीचे प्लेट लगा लें ताकि इडली के सांचों में जो होल होते हैं उससे नीचे मसाला जो आप घोल डाल रहे हैं वो नीचे ना निकले। और जितने आपके सांचे हैं उस हिसाब से आप उसको भर दें। बहुत ज़्यादा आपको नहीं भरना है क्योंकि यदि आप ज़्यादा भरेंगे तो वो इडली जब फूलेगी तो वो बाहर निकलेगी। इसलिए आप थोड़ा सा कम भरें। जितने सांचे का आकार है, जितनी साइज है, उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ करके आप इडली के उनका घोल इसमें डाल दें। इस तरीके से मैंने ये सांचे तैयार कर लिए। एक बार में लगभग 1 दर्जन इडली इसमें बन सकती है। ये डाल करके हम इसका ढक्कन लगा देंगे। इडली लगभग 7 से 8 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी। ये हमारे को भाप में पकाना है। ये 5 से 10 मिनट ले सकती है। यहाँ पे आप गैस लो टू मीडियम ही रखें। बहुत ज़्यादा तेज आंच में आपको नहीं पकाना है। ये इडली बन करके तैयार हो गई। मैंने थोड़ा सा चक्कू की सहायता से इसको प्रेस किया है। चक्कू दोनों साइड में, ये आपका घोल नहीं लग रहा, इसका मतलब आपकी इडली बन करके तैयार है। आप इसको ढंग से उतार लें ताकि आपके हाथ भी ना जले और आप आसानी से पहले इसको ढक्कन को उतार लें और उसके बाद में हम इसमें से इडलियां निकालेंगे। यहाँ पे इडली में चिपचिपाटपन होता है, भाप की सहायता से बनती है, इसलिए हम इस इडली को साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे। धोने के लिए मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी लिया है किसी परात में, और उस परात के ठंडे पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके इडलियों पे डालेंगे जिससे इडलियाँ साफ़ भी हो जाएंगी और थोड़ा सा गर्म इडली है तो ठंडी भी हो जाएंगी। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके साफ़ कर लें ताकि इसमें किसी तरह का चिपचिपाहट ना रहे। यहाँ पे आप पानी डालने के बाद में किसी चम्मच की सहायता से इडलियों को निकाल लें। सांचों से इडलियां आप निकाल लेंगे, इस तरीके से चम्मच लेंगे तो ये बड़ी आसानी से उतर जाएगी क्योंकि हमने नीचे ऑयल ग्रीस किया हुआ था
तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप इडली को बना लें और ये निकाल लें। ये इडली आपकी एकदम स्पंजी और फूली हुई बनेगी। इस तरीके से हमने इस इडली को बनाया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी गोल आकार में बनी है, स्पंजी बनी है, फूली हुई है। मैं इसको अंदर से भी तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से एकदम पूरी सिकी हुई फूली पफी स्पंजी इडली बनकर के तैयार हो गई। इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होगी। आप इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इडलियां इस तरीके से बना सकते हैं। आप इडली को सांभर के साथ में खा सकते हैं या इडली की बहुत सारी की रेसिपी है उसके साथ आप इडली का नाश्ता तैयार कर सकते हैं। ये इडली खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी। बेसिकली इडली साउथ इंडियन फूड है परंतु ये पूरे भारत में पसंद किया जाता है, पूरे भारत में खाया जाता है। इस तरीके से एक हेल्थी टेस्टी स्पंजी और फूली हुई इडली की रेसिपी हमने तैयार कर दी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो दें। थैंक्स।